दोस्तों, अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेस बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में। तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के घर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं, उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है, उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुंचते हैं।
जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। अगले दिन दृश्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के घर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं। उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुंचते हैं, जहां विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज़ ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में,
मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं। उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं, जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं, उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है, उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं, जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है।
अगले दिन दृश्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं,
जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं। उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुंचते हैं, जहां विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में। तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं। उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं, जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है।
बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में। तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है। तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं, उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है, और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं, और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं, जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है, और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी, और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्त अगर आप भी स्त्री मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं, उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है, वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है, उसे एक रहस्य में अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्य में व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं, और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं,
जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं। उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं, और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुंचते हैं, जहां विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है, और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी, और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनन, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं, उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है, उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है, और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं, और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं, जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है, और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी, और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है।
आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनन, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस Hotstar पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं, उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है, और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं, और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं, जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है।
बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं
उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्य में अनाम लड़की से प्यार हो जाता है जिसके रहस्य में व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुंचते हैं जहां विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है जिससे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में। तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है। तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा।
बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं। उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं, जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में।
मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेस बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के घर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं, उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है, उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है, और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं, और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं, जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है, और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी, और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है,
कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेस बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं, उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है, उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं, और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं, जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है,
जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। अगले दिन दृश्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में। तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है,
तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के घर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं। उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं, और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुंचते हैं, जहां विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है, और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी, और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में। तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में,
मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं। उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं, जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं, उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है, उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं, जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है।
अगले दिन दृश्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं,
जो सिर्फ़ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं। उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुंचते हैं, जहां विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में। तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं। उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं, जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है।
बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में। तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है। तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं, उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है, और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं, और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं, जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है, और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी, और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी स्त्री मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं, उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है, वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है, उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है,
जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुंचते हैं, जहां विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनान, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है,
तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं। उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है। उसे एक रहस्यमय अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है, और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं, और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुंचते हैं, जहां विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है, और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी, और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी स्त्री मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2018 में रिलीज की गई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी स्त्री, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों 2018 में मूवी रिलीज की गई, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अमर कौशिक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 79% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है,
एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है। तो आप एक बार तो इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, नोरा फतेही, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, आशा सैनी, कीर्ति सेनन, अतुल श्रीवास्तव, आकाश दाभाड़े, अमर कौशिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहां त्योहारों के दौरान एक चुड़ैल जिसे लोग स्त्री के कर पुकारते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती है, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते हैं, उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। विक्की चंदेरी गांव में रहने वाला एक दर्जी है, जिसकी अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान है। वो अपने दोस्त बिट्टू और जना के साथ रहता है, उसे एक रहस्य में अनाम लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्य में व्यवहार के कारण विक्की के दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच विक्की का दोस्त जना भी गायब हो जाता है, और उसे बचाने के लिए वो चंदेरी में रहने वाले रुद्र के पास आते हैं, और वे लोग उसे खोजते हुए भूतिया महल पहुँचते हैं, जहाँ विक्की का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने उसकी प्रेमिका आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री कोई और है। इसी बीच जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है। अगला रात शेर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वे लोग एक पुराने किताब जिसमें स्त्री के बारे में लिखा था, वे लेखक शास्त्री के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल विक्की उसे मार सकता है। विक्की स्त्री को मारने की बजाय उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। अगले दिन रहस्य में लड़की विक्की से मिलकर बस से चली जाती है, लेकिन विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि वे असल में जादू करने वाली रहती है, और वे स्त्री के शक्ति के पीछे थी, और वे विक्की की मदद से उसे प्राप्त करना चाहती थी। वे उसकी कटी चोटी को अपने से मिलाकर बस से गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।